नमस्ते बच्चों, मैं आपकी टीचर ज्योति विल्सन। आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। बच्चों, कहानी का नाम है योग्य चुनाव। इस कहानी में एक राजा है, उनका नाम है मंगल सेन, और एक मंत्री है जिनका नाम है जगत राम जी। जगत राम जी अब बूढ़े हो चुके थे, अब वे सेवा मुक्त होना चाहते थे। बच्चों, सेवा मुक्त यानी नौकरी से छुटकारा लेना, यानी नौकरी से मुक्त होना। पर राजा मंगल सिंह जी जगत राम जी को सेवा मुक्त नहीं कर रहे थे। राजा मंगल सिंह जी ने जगत राम जी से कहा कि पहले आप जैसे ही सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चयन कीजिए, फिर आपको मैं सेवा मुक्त कर दूंगा। चयन करना यानी फिर से नए मंत्री को रखना। तो यह बात सुनकर जगत राम जी ने एक सेवक को बुलाया और उसे गांव में यानी राज्य में ढिंडोरा देने के लिए कहा। बच्चों, ढिंडोरा यानी डुग्गी, जो गले में एक डुग्गी लेकर गांव में जाता है और गांव में राजा ने जो समाचार दिया होता है वो गांव में बताता है। तो गांव में सबने ये समाचार सुना। फिर चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर बहुत सी भीड़ हो गई। जो गाँव के राज्य के लड़के थे, उम्मीदवार थे, तो वो सज धज कर दरबार की ओर जाने लगे। चयन का दिन था गुरुवार और सुबह ही 11 बजे ये चयन होने वाला था। तो सभी नवयुवक जो थे वो सज धज कर तैयार होकर भागा दौड़ी कर राज दरबार में टाइम से पहुंचने लगे। राज दरबार में जाने वाले मार्ग पर एक वृद्ध आदमी असहाय होकर रास्ते के किनारे बैठा था। क्यों बैठा था बच्चों? तो उसका जो बैलगाड़ी का पहिया था वह कीचड़ में फंस गया था और वह उनको निकालते नहीं आ रहा था। उन्होंने बहुत प्रयास किया, फिर भी वह पहिया कीचड़ से नहीं निकल रहा था। तो राज्य के राज दरबार में जाने के मार्ग पर ही वह बैलगाड़ी फंस गई थी। यह सबने देखा। जो नवयुवक राज दरबार में जा रहे थे उन्होंने सबने और उस वृद्ध आदमी को देखा, वो प्रयास कर रहे हैं वो भी देखा, पर किसी ने उनकी सहायता नहीं की। वे अपने अपने काम के लिए चले गए। फिर वहीं से कर्मवीर नाम का एक नवयुवक आया, वो भी राज दरबार की ओर मंत्री पद के चुनाव के लिए जा रहा था। कर्मवीर ने देखा कि एक वृद्ध आदमी बैठा है, वो असहाय बैठा है, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। वह कीचड़ से पहिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो पहिया नहीं निकल रहा। तो कर्मवीर ने राज दरबार के लिए जाने में देर हो रही है, हम कैसे मदद करें, इसकी परवाह न करते हुए उस वृद्ध आदमी की मदद की और कीचड़ से बैलगाड़ी का पहिया बाहर निकाला। यह करते समय कर्मवीर के सारे कपड़े कीचड़ से सन गए, खराब हो गए, फिर भी उन्होंने साफ कर राज दरबार की ओर वो भागते भागते दरबार में पहुंचे। जैसे ही कर्मवीर दरबार में पहुंचे तो सभी नवयुवक उनको देखकर हंसने लगे, क्योंकि उनके कपड़े कीचड़ से खराब हो गए थे। तभी वहां पर बैलगाड़ी वाले वृद्ध भी आए और वो बच्चों जो वृद्ध वहां पर पहुंचे वो वृद्ध और कोई नहीं थे बल्कि वही राज्य के मंत्री जगत राम जी थे। जगत राम जी ने राजा को घड़ी हुई सारी घटना विस्तार में बताई कि कैसे कर्मवीर ने उनकी सहायता की और राज दरबार में टाइम से पहुंचने की परवाह न करते हुए वह रुके और अपने कपड़ों के खराब होने की परवाह न की, फिर भी उन्होंने जगत राम जी की मदद की। राजा ने ये सब बात सुनकर राजा बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि जो आदमी दूसरों की सहायता करता है, दूसरों के दुख देखकर खुद दुखी होता है, दूसरों की हमेशा मदद करता है, वही राज्य के मंत्री पद लायक है। इसीलिए राजा ने कर्मवीर को राज्य के नए मंत्री का पदभार दिया और उसी दिन से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री बने। और जगत राम जी की राजा ने प्रशंसा की कि जगत राम जी ने योग्य मंत्री का चुनाव किया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों की तकलीफें हमें दूर करनी चाहिए।